तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण हम सबकी बुद्धि ठीक कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया गया, उसी तरह मास्टर महाशय को निमित्त बनाकर हम सब पर उपकार हो रहा है। जो हमारी क्षुद्र तुच्छ छोटी बुद्धि है, जो ये इन द बॉक्स इन द वर्ल्ड थिंकिंग है, जो प्रोग्राम्स जो धारणाएं संसार अनकॉन्शियसली ही हमारे मनों में डाल देता है, उसकी सफाई कर रहे हैं। मास्टर को समझा रहे हैं, ज्ञानी वो जो परमात्मा में लगा हुआ है, पूरी तरह से बहुत ही सिंसियरली मन को साध रहा है, मन की भावनाओं के साथ ये पसंद है ये नापसंद है, ये अच्छा लगता है ये बुरा लगता है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी ऐसे ही बितानी चाहिए, ये मिला तो बढ़िया होगा और वो मिला तो नहीं बढ़िया होगा, हज़ार तरह के मन में संकल्प उठ रहे हैं, जिसके पीछे इन सब संकल्पों के पीछे इच्छाएं भरी हुई हैं, और वो बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही शॉर्ट में कह देते हैं, मैं मेरा कामिनी कांचन कीर्ति, इसको सुधार लो, इस पर तवज्जो दो। बहुत ही ध्यान से इनकी जड़ों को मन से निकालो, तब ज्ञान के अधिकारी बनते हो, और बाकी सब अज्ञान है। तो हम इसी बात को भगवान श्री कृष्ण की वाणी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। 13वें अध्याय में भगवान आगे कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम, ये ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। इति प्रोक्तम अज्ञानो यदन्यथा, एतद् ज्ञानम। कई बार भगवान ने ये कहा, सतत स्मरण, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। भगवान बार बार कह रहे हैं, कम से कम कोशिश तो करें नित्य स्मरण की, सतत स्मरण की। इसी सिलसिले में अजपा जप की बात होती है कि जब अंदर स्वतः ही चल रहा है, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर भाव से हो रहा हो सब कुछ, प्रेम और भक्ति से हो रहा हो, अगर आपके क्रियाकलापों में भी प्रेम और भक्ति भर गई है, तो सोने पे सुहागा है। भगवान जानते हैं कि किसकी कितनी क्षमता है,
साधक को ये शुरू में परेशानी होती है कि कोशिश तो कर रहे हैं, रोज़ के 4 घंटे 8 घंटे बैठते भी हैं, पर मन नहीं लगता। श्री रामकृष्ण कहेंगे कि तुम लगे रहो, मन लग जाएगा। तुम लगे रहो, तुम वो जो नियम बनाए हैं, जिसकी वैधि भक्ति की पहले बात करी गई, उन नियमों में लगे रहो, उन नियमानुसार मेरा भजन करते रहो, मेरा नाम लेते रहो। जो मन के संस्कार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं हटा दूंगा। असल में क्या होता है, जब साधना जैसे सब लोग करते हैं, देखें कि जप भी चल रहा है और मन हजार जगह भाग भी रहा है। माला चल रही है हाथ में, मन फिरत जग माही। इस पर ध्यान जरूर देना है, नहीं तो बहुत लाभ नहीं होगा। होगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान का नाम लें और लाभ ना हो। पर जहाँ आपको अथाह लाभ मिल सकता है, वहाँ छोटे लाभ के लिए क्यों जाते हैं? तो नित्यत्वम, संसार नित्य बसा हुआ है मन में, उसको हटाकर परमात्मा को नित्य बसाना है। जो भी विषय भोगों की इच्छाएं हैं, जिससे लगता है कि परिपूर्णता मिलेगी, खुशी मिलेगी, भगवान कहते हैं ये दुखालयम है, दुख का घर है। अधिक धन हो जाए, लोग मान बड़ाई करने लग जाएं, जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा घर हो, यहाँ रहना है, इन लोगों के बीच में उठना बैठना हो, ये लोग मेरे को जाने, मेरा मान करें, मेरा कहीं अपमान ना हो जाए, मैं उस जगह जाके रहूँगा। जो इंडियन इंडियन कॉन्टिनेंट में रहते होंगे, यहाँ पर रहते हैं, वो कहते हैं हम तो भाई यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके खुश होंगे। जो वहाँ रहते हैं वो कहते हैं भाई इंडिया जाना है, वहाँ हमें सच्ची राह मिलेगी। असल में क्या हो रहा है कि घास दूसरे के घर की ही ज़्यादा हरी लगती है। सब में वही आत्मस्वरूप है, मन से ढका हुआ है। उस धुएं को, उस बादल को हटाना है जहाँ भी हो आप। उसके लिए सत्संग मिले, कम्युनिटी अच्छी बने, अच्छा ध्यान भजन करें, अच्छे नियम पालन करें, सतत कोशिश करें। भगवान केवल इतना ही चाहते हैं। और बड़े ध्यान से, यहाँ तक कि सात्विक इच्छाएं भी हों, परोपकार की इच्छा आती है, परोपकार बहुत लोगों के लिए ठीक है, पर उसके लिए जिसने केवल भगवान को पाना है, बहुत ठीक नहीं है। श्री राम कृष्ण जिन लोगों से बात करते थे, उनको बहुत परोपकार करने से हटाते थे। कोई कहेगा अगर कि अस्पताल बन रहा है, उसमें मुझे लगना है, अरे भाई भगवान का भजन यहाँ हो रहा है, यहाँ आनंद की हाट लगी हुई है, और तू वो अस्पताल की मीटिंग में जाना चाहता है। तो कौन कहाँ पर खड़ा है? स्वामी विवेकानंद ने बाद में मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी और कर्मों को बहुत महत्व दिया, निष्काम कर्मों को, सेवा के कर्म को। पर मोटो क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। पहले आत्मनो मोक्षार्थम, बाद में जगत हिताय। तो सात्विक इच्छाएं भी जो हों,
वो बाधा डाल सकती हैं। राजा भरत की याद आती है यहाँ पर, चक्रवर्ती राजा हैं पर बहुत ही शुद्ध, जैसे जनक जी हैं, बहुत सात्विक। एक समय आता है जब डिसीजन लेते हैं कि सब कुछ छोड़ देंगे अब, और नेपाल में गंडकी नदी के किनारे रहने लग जाते हैं, अपने आप को नियमों में बांधते हैं, भगवान की सतत भक्ति करते हैं, पर माया पीछा नहीं छोड़ती है। माया गंडकी नदी के किनारे सब कुछ छोड़ के आ जाओ, जंगल में रह लो, गंगा जी के किनारे रह लो, कैलाश पर्वत पे रह लो, कहीं रह लो, त्रिवन्नामलाई में रह लो या दक्षिणेश्वर में रह लो, अयोध्या में रह लो या वृंदावन में रह लो, ऋषिकेश में रह लो, कहीं रह लो, माया पीछा नहीं छोड़ती है। उनका नियम है रोज सुबह 4 बजे गंडकी नदी में खड़े हो जाते हैं, कमर तक पानी में, और वहीं खड़े खड़े पानी में तपश्चर्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम 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 ओम, और जब ओम कहते हैं तो हृदय में ओम का प्रकाश चमकता है, सच्चिदानंद का अनुभव होता है, आनंद से जी रहे हैं, पर माया लगी है पीछे। सूर्योदय होता है, फिर वो अपना पूजा करते हैं, पूरा दिन कोशिश कर रहे हैं कि भगवान में लगे, माया पीछे लगी है, देखती है कि कैसे इसको पकड़ें। आप, ये बहुत तेजी से भाग रहा है, थोड़ा मज़ा लेते हैं। माँ मज़ा करती है, श्री रामकृष्ण कहेंगे कि सब पतंगों की डोरें माँ के हाथ में हैं, यहाँ करोड़ों असंख्यों पतंगें उड़ रही हैं, किसी एक की डोर कट जाती है और माँ फिर ताली बजाती है, खुश होती है, पर बाकियों की डोरें फिर भी पकड़ी हुई हैं। तो एक डोर जिससे वो बंध सकते हैं, उससे माँ उनको खींचती है, एक हरिन का बच्चा भेज देती है वहाँ, एक हरिनी उनके पास में बच्चे को जन्म देती है, खुद चली जाती है। हरिन के बच्चे से स्नेह हो जाता है, माया का प्रभाव देखो, स्नेह पाश महापाश। जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, स्नेह पाश महापाश। जो लोग आपसे घृणा करते हैं, आपको तिरस्कृत करते हैं, उनको छोड़ना बहुत आसान है। जो आपके प्रति उदासीन हैं, उनको छोड़ना बहुत आसान है, पर जो आपसे स्नेह रखते हैं, ममता रखते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, सिर आँखों पर उठाते हैं आपको, उनके प्रति उदासीन होना बहुत दुस्तर है। तो राजा भरत हरिन के प्रेम में फंस जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, डर लगता है उनको कि कहीं कोई शेर या और कोई जानवर इसको मार न दे, तो अपने कंधे पर बिठाकर उसको घूमते हैं। सुबह जब नदी पर आते हैं अपनी तपश्चर्या करने के लिए, उसको बाहर बिठा देते हैं, तपश्चर्या करते करते उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, मन उसमें लगा हुआ है, कहीं ये भूखा ना हो, कुछ इसे खाने को देना है। क्या चल रहा होगा इसके मन में, ये भी मेरे को प्यार करता है क्या, जैसे मैं इसको करता हूँ? हाँ करता तो है, ऐसा लगता है, देखो मेरी तरफ कैसे देख रहा है, मन उसकी तरफ खिंचा रहता है। पवित्र व्यक्ति है ये, परोपकारी व्यक्ति है, जीवन
अच्छा जिया है इसने, मन में दया करुणा है। पर दया करुणा पाश भी बन सकता है, ये बात सबके लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अहम का पूर्णतया लोप करना चाहते हैं, परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। तो हरिण के बच्चे के साथ बहुत लगाव है, नित्य स्मरण उसका हो रहा है, पर साधना भी चल रही है। भगवान ने क्या क्या कहा, ज्ञानी के लक्षण अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हरिण ज्ञान नित्यत्वम। स्नेह में फंसे हैं, और ऐसा होता है एक दिन कि हरिण का बच्चा बड़ा होता है, उसको एक हरिणी मिल जाती है, उसके साथ वो चला जाता है। अब ये बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं वो मर ना गया हो, किसी बाघ ने खा ना लिया हो। फिर मन तरह तरह के विचार करता है, नहीं 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 वो मर नहीं सकता, हो सकता है उसे कोई अपनी पत्नी मिल गई हो, वो एक दिन वापस आएगा, अकेला नहीं आएगा, पत्नी के साथ वापस आएगा, फिर मैं दोनों की देख रेख करूँगा। मन हजार तरह के विचार सोच रहा है, नहीं शायद मर ही क्या हो, ओ उसको कितना कष्ट हुआ होगा जब बाघ ने उसको खाया होगा, रोता होगा, चिल्लाता होगा, मुझे पुकारता होगा और मैं उसके पास नहीं था, मुझे कितना पाप लगेगा, मैं उसको बचा नहीं पाया। और फिर दूसरे क्षण मन कहता है नहीं वो मरा नहीं होगा। तो इसी उधेड़ बुन में दिन निकल रहे हैं। साधना तो हो रही है पर मन नहीं लग रहा है। उधर हरिण के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो हरिणी के साथ रह रहा है, पर कुछ दिन बाद एक अधिक बलवान हरिण आता है और दोनों की लड़ाई होती है, और वो इस हरिण के बच्चे को भगा देता है। ये जख्मी होकर राजा भरत के पास वापस आता है बिलखता हुआ। राजा भरत वृद्ध हो गए हैं, अब अपनी अंतिम यात्रा के समय में हैं, शरीर छोड़ने की तैयारी पे लगे हैं, आंखें बंद किए लेटे हैं, आखिरी सांसें आ रही हैं, जबान बोल नहीं पा रही है उस समय, पर महसूस होता है कि पैरों पर कुछ हो रहा है। जरा सी आँख खोलते हैं तो वही हरिण उनके पैर चाट रहा है। बहुत दया आती है उसको, उनको उस पर, मन प्यार से भर जाता है। तू आ गया, मने मन सोचते हैं कहाँ चला गया था मेरे बेटे, कहाँ चला गया था तू, मैं कितना याद करता था तेरे को, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता था और तू मुझे छोड़कर चला गया। उसे उलाहना देते हैं, तुझे शर्म नहीं आई मुझे छोड़कर चला गया, और बस यही सोचते सोचते प्राण निकल जाते हैं। भगवान कहते हैं जो सोचते सोचते प्राण जाएंगे तुमको अगला जन्म उसी तरह का मिलेगा, वो हरिण बनकर अगला जन्म पाते हैं। पर ये वाले हरिण को पिछला जन्म याद है, उसी गंडकी नदी के किनारे घूमता है वो, यहां मैं साधना करता था, कैसे मेरा मन फंस गया, कैसे मुझ में भगवान की भक्ति उपज रही थी पर मैंने खुद को स्नेह पाश में बांध दिया, अब नहीं बांधूंगा। जितने दिन उन्होंने उस हरिण के बच्चे की फिक्र की थी, उसके साथ बिताए थे, उतने ही दिन यहां हरिण के अगले जन्म में उनको जीना पड़ता है, और फिर हरिण की देह शांत होती है,
और वो परमात्मा का नाम लेते हुए सत्य को याद करते हुए भक्ति में ये हरिण का शरीर त्यागते हैं। अगला जन्म उनका एक बहुत ही शुद्ध परिवार में माँ बाप के यहाँ होता है, पर वो अब बचपन से ही उदासीन हैं। जैसे सुखदेव जी को याद करें, बचपन से ही उदासीन हैं। माँ बहुत प्यार करती है, पिता बहुत प्यार करते हैं, पर वो बचपन से ही ये मेरा मेरा बहुत करते हैं, अब मैं इनके बंधनों में, स्नेह बंधन में नहीं फंसूंगा। बच्चा निश्चय करता है, चुप रहता है हर समय, कुछ नहीं बोलता। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, हर समय चुप है, लोग पागल समझते हैं। माँ बाप का देहांत हो जाता है, घर में भाई भाभी के साथ रहता है, भाभी तिरस्कृत करती है, पागल समझती है, नाम दे देती है जड़ भरत। ये किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते, भाभी और तिरस्कृत करती है, जला हुआ खाना खाने को देती है, गालियां देती है। ये सोचते हैं कि मैं क्यों कष्ट दूं इनको, मेरे कारण कितना परेशान हो रहे हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, बस कहीं बैठे रहते हैं, कुछ मिल गया खा लिया, नहीं मिला। भगवान के सतत ध्यान में, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम में संलग्न है मन। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो तत्व ज्ञान का अर्थ है, परमात्मा का साक्षात्कार, इनका सदा चलता रहता है, कभी विस्मृति नहीं होती परमात्मा की, सदा भगवान में लगे रहते हैं। फिर आगे चलकर कथा आती है कि राजा रघुगण, इनको अपनी पालकी को उठाने के लिए बुलाते हैं, और फिर ये जीव जंतु न मर जाएं, थोड़ा ध्यान से पालकी उठाते हैं, ध्यान से थोड़ा चलते हैं। उस ध्यान में पालकी हिलती बहुत है, तो राजा रघुगण इनको डांटते हैं, और उस डांट के समय वो राजा रघुगण को अध्यात्म उपदेश देते हैं। तू कौन, मैं कौन, तेरा कौन, मेरा कौन, राजा कौन और रंक कौन। राजा रघुगण इनके चरणों में गिर जाते हैं, इनको गुरु बना लेते हैं। ये राजा रघुगण कौन थे? वो ही हरिण का बच्चा, वो राजा बनकर आया और फिर से इनका शिष्य बना। हमारे समझने की बात यह है कि तामसिक बंधन या राजसिक बंधन या सात्विक बंधन, सब बंधन ही हैं। भगवान हम पर कृपा करें कि हम इन सब बंधनों से छूट जाएं और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में स्थित हो जाएं। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, बाकी सब कुछ अज्ञान है, ये बात हमारे रगों में दौड़ने लग जाए। भगवान की हम सब पर कृपा हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ही ओम तत्सत्।